बात कर रहे हैं हम मैकेनिज्म। अच्छा मैकेनिज्म है क्या? कई बार ऐसा होता है एक स्टेप किसी रिएक्शन का नहीं समझा पाता कि वो रिएक्शन कैसे हुई है इस बार, तो हमें एक से ज्यादा स्टेप चाहिए होते हैं, उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं मैकेनिज्म। कई बार एक स्टेप में हम नहीं समझ पाते कि रिएक्शन में क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं एक से ज्यादा स्टेप का इस्तेमाल करते हैं, उस सेट ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, पता चल गया क्या होता है मैकेनिज्म। अब वर्ड देखो क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल। कैसा? बाय मॉलिक्यूलर। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब बाय मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल पे जो डिपेंड करे ऐसा सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? नेगेटिव आयन। कैसा है? भविष्य ध्यान दे ले। अब कार्बन, कार्बन के साथ CH3, ठीक है, एक H, एक H इधर और एक हैलोजन इधर। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या है, ये कैसा है? ये है प्राइमरी, ये प्राइमरी हैलोजन है, बिल्कुल हैलाइड बोलो, हेलो एल्केन बोलो तो और भी अच्छा। ये कैसा एल्केन है जो हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कैसा है? ये प्राइमरी है। अब ये है आपका हैलाइड या हैलोजन, ठीक है, सारी बात चाहिए, अब ध्यान दो। अब ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया? किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा भैया मैं अटैक करना चाहता हूं, अब मुझे बताएगी सुकृति कि बेटा क्या ये इसके सामने से अटैक कर पाएगा? नहीं। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव को आने देगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव को आने देगा। शशांक कुछ बातें पूछ लो बेटा तेरे से भी। सारंग, सारंग बता, सारंग ये बता न्यूक्लियोफाइल क्या है? नेगेटिव नेगेटिव का अटैक करता है, ये फिजिक्स वाली बात है, क्या करता है अटैक? नहीं। ये पता क्या कहेगा कि भैया सामने से अटैक मत करो, पीछे से अटैक करो, क्योंकि पीछे से पॉजिटिव। अब बात कर रहा हूं मैं किससे? अंशुल से। अंशुल अगर ये पीछे से अटैक करेगा तो क्या पॉसिबल है? तो तू ये कह दे कि भैया आगे से तो अटैक होगा नहीं, पीछे से अटैक होगा, और पीछे से अटैक होने के बाद यहां लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल कहां लगा, और इसका एच थोड़ा सा इधर आ जाएगा, एच थोड़ा सा इधर आ जाएगा, और यहां लग जाएगा CH3। गलत है क्या? क्लियर है? फिर आपने कहा कि बाहर हो गया, अभी बाहर नहीं गया, बाहर पर बाद में एच एच, और यहां पर अभी ये और बचा हुआ एक्स। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक्स वहीं का वहीं है, बाकी सारा दहेज इसका वहीं का वहीं है, एक न्यूक्लियोफाइल नया आया। अब ये चेक करेगा कि मैं इसे तोड़ू या इसे तोड़ू, तो जो बाहर से आया होता उसकी ताकत ज्यादा होती है, उसके पास ज्यादा पावर होती है, तो वो नहीं जाएगा, उल्टा जो पहले वाला उसको जाना पड़ेगा। भेजो न्यूक्लियोफाइल लगा रह गया सी एच एच सी एस, और बाहर कौन हुआ? एक्स। अब मुझे बताओ क्या दोनों बातों पे डिपेंड करता था ये? क्या ये दोनों न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती थी रिएक्शन? हाँ, इसलिए क्या है? बाय मॉलिक्यूलर। कैसी है ये? कैसी है ये? दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा क्या कोई ऐसी रुकावट है जो इसके पीछे से होने वाले अटैक को भी रोक सके? बताओ। साइज, ये कह रही कि भैया अगर ऐसा होता कि इस कार्बन के पीछे बड़े बड़े तीन CH3 होते तो क्या करते भैया? तो मैंने कहा भाई अगर ऐसा होता ना तो ये पीछे से अटैक नहीं कर पाता, पीछे क्या लग जाता? बोल बोल, स्टेरिक इफेक्ट। वेरी गुड। और स्टेरिक इफेक्ट इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने नहीं देता। आगे से क्यों नहीं अटैक हो रहा? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पर अटैक नहीं होने देता, इसको क्या कहते हैं हम? कूलंबिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है आपका किसी में चैप्टर, उसमें ये बात की थी कूलंबिक रिपल्शन। अब पीछे से अटैक करना है उसको, लेकिन जगह ही ठीक है। हाँ, फिर जैसे कभी सीएन नेगेटिव पर अटैक होता है तो ओएस नेगेटिव कैसे हटा देता है? सीएन सीएल सीएल का ओएस कैसे हटा देता है? किसका ओएस नेगेटिव भी होता है, ओएस नेगेटिव और सीएल नेगेटिव। हां, नेगेटिव नेगेटिव को हटा रहा है तो डिस्प्लेस तो हो जाता है। हां, ये ना हटाया ना हमने, लेकिन जगह भी तो मिलनी चाहिए ना कहीं से घुसने की। यहां बहुत जगह थी, इधर ये छोटा सा, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये छोटा सा, तो उसको जगह मिल गई, यहां से आने की जगह मिल गई,
सब में यही है, अगर कहीं पे रिपल्शन होगी तो वो नहीं आ पाएगा, एंटर करने के लिए जगह चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे ना कि SF6 इतना स्टेबल क्यों है, तो आप कहोगे भैया S के चारों ओर F लगे हुए, वो एक तो सिमेट्री देते हैं और थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी देते हैं, उसको पूरा पकड़ लेते, कहीं और अटैक ही नहीं करने देते बाहर से, क्यों घेर लिया, समझ गए। अच्छा फिर कहते हैं कि SCl6 क्यों नहीं, कई बार बच्चों, अच्छा एक बार यही किसी बच्चे ने बोला था कि भैया ये तो एक्सेप्शन होते हैं, मेरा मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैंने तब भी कहा था इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होता इनऑर्गेनिक में, अभी बोला, अब बोलोगे भैया आपने अभी कहा SF6 तो बड़ा स्टेबल है, SCl6 क्यों नहीं है, उसका साइज बड़ा, उसका साइज बड़ा तो क्या वो बाहर से क्या, वो तो साथ वाले को जीने नहीं देता, समझ रहे हो। मैंने आपको कहा, अब मेरी बात सुनना, इसने कहा कि भैया यहाँ पे आप टेबल लगा के हम पांचों को पढ़ा पढ़ा दिया, अब बाहर से एक बच्चा एंटर करना चाहता है, जैसे अभी इसने कहा था भैया मेरे दो दोस्त और आने चाहते, ठीक है, जैसे इसने दो दोस्त कहा साथ करने का, चल बे उसने पहली दिन, ये क्या कह रहा है, मैं भैया हमारे एसी वाली जगह जो थी उसमें इतना नहीं बंदे आ सकते, पहले हमारे को गर्मी रहती है, ये एसी वैसे चला, ये बोलना नहीं है इसमें से भाई कट कर देना, तो ये बातें बोल जाओ, तो वो बोला इसने, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो जो चीजें हो तो आपकी यूटिलाइज पांच बंदों में हो रही थी, एक बार आएगा तो छठे में होगी, तो वो आ रहा, समझ रहे हो, वो नए वाले को आने से रिपेल करेगा, लेकिन अगर वो पांचों ही बहुत बड़े बड़े हैं तो वो एक दूसरे को नहीं धक्का मारने लग जाएंगे, इसलिए सीएल में दिक्कत आएगी। ऐसा यहाँ पे होता है, जितने बड़े होते जाएंगे, जितने बल्कि होते जाएंगे, इनका रहना मुश्किल हो जाएगा, इनका रहना। तो आपने कहा कि क्या भैया ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देगा, ना आगे से ना पीछे से। अब क्या होगा, अब एक और चीज पता चले, ये कौन है, इसी से दिक्कत थी ना, ये टर्शियरी कार्बो कैटायन है, ये अपने आप में स्टेबल, ये खुद ही सीएल को छोड़ देता है, टर्शियरी कार्बो कैटायन, ये कहेगा कि भाई मैं इसको छोड़ देता हूं, तो तुम कहोगे भैया अगर इसको छोड़ देगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो अब आने वाला है ना वो आराम से अटैक कर पाएगा इस टर्शियरी कार्बो कैटायन पे, क्या कर पाएगा अटैक, लेकिन जब वो पीछे, अब देखो अब जब ये हटा तो इसके हटने का रीजन क्या है, अब बच्चे पता क्या कहते हैं, भैया रीजन वही क्यों नहीं रखते, स्टेरिक इफेक्ट, अरे रीजन स्टेरिक इफेक्ट तो रोक रहा था, इसको हटाने का रीजन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या लिखो, मैं इसका यहां पे रीजन दे रहा हूं, टर्शियरी कार्बो कैटायन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये 11 में पढ़ा था, या फिर 3 डिग्री कार्बो कैटायन पहले स्टेबल है तो वो एक्सेप्ट क्यों करेगा, इसका मतलब ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, आपने इसको जबरदस्ती बना तो दिया लेकिन टिकेगा नहीं, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, अगर ये टूटा, और ऐसा नहीं है एकदम से टूट जाएगा, टाइम लगेगा इसको, अगर ये टूटा तो टूट कर जो चीज मिलेगी वो बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेगी अगले आने वाले न्यूक्लियोफाइल से, टर्शियरी कार्बो कैटायन स्टेबल है इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा सीधा सीधा और बना देगा आपका क्या, टर्शियरी कंपाउंड जो आप चाहते, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनो मॉलिक्यूलर, यानी कि SN1, नहीं समझ आया, इसे SN1 कहते हैं, उसे SN2 कहते हैं, तो पता चल गया कि SN1 किसके लिए अच्छी है, SN1 अच्छी है टर्शियरी के लिए, कमजोर है सेकेंडरी के लिए और कमजोर है प्राइमरी के लिए, और SN2 बिल्कुल उल्टा, प्राइमरी के लिए अच्छी है, सेकेंडरी के लिए कमजोर, टर्शियरी के लिए और कमजोर, दोनों में रीजन इसमें क्यों है, क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, और उसमें टर्शियरी स्टेबल क्यों है, सॉरी इसमें टर्शियरी स्टेबल क्यों, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, और उसमें प्राइमरी स्टेबल है और टर्शियरी अनस्टेबल है क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट लगता है, रीजन पे ध्यान दे लो, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी करते हैं आपके, तो SN1 का रीजन क्या है, स्टेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इस चैप्टर में ये हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं होगा, अब अगले कभी किसी चैप्टर में बात करू ना तो आप इसको SN1 मैकेनिज्म बोलोगे, पर SN2 के लिए क्या है बेटा, स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोल देते तो परेशान मत होना, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट तब होता है जब बल्कि चीजें लगी होती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है,
जब वो घिराव ज्यादा होता है जिसके बाद वो टूटता है। तो स्टेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दो चीजें या एक ही चीज है? एक ही चीज है। स्टेरिक इफेक्ट पहले और हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में। मैं अभी इसको बना के दिखाता हूं, आप जरा इसको नोट करो। अब जरा ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल 10.2 का फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम कार्बन की चेन देख रहे हैं सीधी साधी, ठीक है। ये कार्बन की चेन में आता है, ये कार्बन ही है, ये कार्बन की चेन में आता है, ये कार्बन की चेन में आता है और ये। तो मुझे कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन में दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है और चौथे कार्बन पर ब्रोमो है। लेकिन राघव कह रहा है कि यहां से नंबरिंग चालू होनी चाहिए क्योंकि ब्रोमो को पहला नंबर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्रेफरेंस देखो फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए प्रेफरेंस सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले उसके बाद और मल्टीपल बॉन्ड के बाद प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स को आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हो जो बाहर जुड़े हुए, यहां सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोजन से परेशान मत हो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में वही रोल प्ले करता है जो राहुल गांधी, मतलब किसी कार्बन, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 चौथे नंबर पर ब्रोमो, 10, 2 पर ई, गलत है। अब पांच कार्बन, वो कह रहा है पांच कार्बन के ऐसे आइसोमर्स बनाओ, ऐसे आइसोमर्स बनाओ जो आपको ये समझा सके कि एक जगह अटैक होगा, दो जगह अटैक होगा कि कितनी जगह अटैक होगा। मैं काम करता हूं, मैं सारे आइसोमर बना। अभी क्या बोला? अच्छा तुम बेटा पेपर मत करना ऐसा कि हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम पूरा बनाओगे, मैं बिना हाइड्रोजन वाला बना। अब देखना जरा, क्या ये सारे के सारे पांच कार्बन वाले हैं? अंशुल बताएगा। अंशुल बेटा इनको देख और ये बता कि तीनों के पास पांच पांच कार्बन है। हाँ वो बात दूसरी है, ऑर्डर सेम नहीं। पहला है नॉर्मल पेंटेन, कैसा पेंटेन? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा है आइसो पेंटेन। तीसरा नियो पेंटेन। अब तीनों को देख लो, आइसो है ये, नियो है ये, और बेटा आप सबकी वीडियो वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई होगी क्योंकि मैंने पिछले साल का पूरा सेट भेज दिया आपके पास, वीडियो पांच पांच वीडियो दोनों सेट। तो अगर किसी को मिस होता है तो देख लेना, और ये बनी रही टाइम लगा था, है ना, गैस लेवल तक टाइम चल रहा है क्योंकि एग्जाम है तो उनको भी थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। आ जाओ अब क्या बन रहा है, 6 बीच में बस एक 2 घंटे 2 बजे से लेकर 3 बजे तक था, सुबह 8 बजे क्लास है। अब ये समझ में आया, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन में एबीसी की जगह ढूंढ, बाहर से आने वाला कहां अटैक कर सकता है? अगर कोई आउटसाइडर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो यहां बैठ सकता है ए, यहां बैठ सकता है बी, यहां बैठ सकता है सी। सुकृति अगर वो यहां आके बैठेगा तो वो डी होगा? नहीं, वो बी होगा। क्यों? पोजिशन वही है। आप यहां से चालू करोगे तो बोलोगे 1, 2, 3 यहां से करोगे तो 1, 2, 3 एक बात किसको समझ में नहीं आती, किसको ये वाली नेमिंग लिखनी नहीं आती, चाहे वहां से चलो चाहे यहां से चलो। बात इस वाले में देखना, 1 हाँ 1 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 3 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल। और अगर यहां लगा दूं तो ना 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, ये अलग है। अच्छा यहां पे भी लगा दूं तो ये सेम है, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, ये आपको देखना आना चाहिए। अब इस कार्बन पे कहीं से भी बाहर से नहीं आ सकता है, बिल्कुल बीच में है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। ये क्या है? 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो, और यहां पे भी 1 पे क्लोरो, चारों पे 1 पे क्लोरो, चारों पे, कोई दिक्कत? ठीक है तनिष्क, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा आइसोमर है जिसपे एक ही जगह लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ये मोनो डेरिवेटिव ही देगा, एक ही जगह लगेगा, कुछ जगह ही नहीं बनती।
एक ही आइसोमर बनेगा, वो है आपका नियोपेंटेन। अब क्वेश्चन रीड करके मैं सुनाता हूं, आप सुन के बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स टू, पहला अ सिंगल मोनोक्लोराइड एंड द आंसर इज इंडेक्स का 10.48। एक आंसर क्या है ये नियोपेंटेन, क्या दूसरा पढ़ियो बेटा, थ्री आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, थ्री का मतलब ये नॉर्मल पेंटेन, और फिर सी क्या है फोर आइसोपेंटेन। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, किसी ने अब मान लो किसी बच्चे ने कहा कि भैया मुझे तो ये नहीं पता ये मोनो क्लोरो या मोनो हेलो क्या होता है, उसने क्या बोला कौन सा आइसोमर है मोनोक्लोराइड बोला। अब कोई बोले मोनोक्लोराइड या मोनो क्लोरो एल्केन, मोनोक्लोराइड का मतलब एक क्लोरीन ही अटैच है, डाइक्लोराइड का मतलब दो क्लोरीन अटैच है, ट्राइक्लोराइड का मतलब तीन क्लोरीन अटैच है, और क्वाड क्लोराइड का मतलब चार क्लोरीन अटैच। अब आपने कहा भैया कुछ एग्जांपल देना इसके, मोनो के डाई के ट्राई के क्वाड के, तो देखो ये क्या है मोनोक्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन ये क्या है डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये क्या है टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, फिर भी इनके कुछ और नाम दिए, जैसे इसका एक नाम है क्लोरोफॉर्म और इसका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा ये तो मैंने इनके वो नाम रखे हैं जो कॉमन नेम है, इनके आयोपिक नेम आप खुद लिखोगे, बता दी थी मैंने क्लोरोमीथेन 1-1 डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरो बन गया ना, उससे कैसे मांगे थे मोनो डेरिवेटिव या डाई डेरिवेटिव, मोनो एक ही जगह लगना चाहिए। आप कहोगे तो मैं सब पे लगा के दिखा दूंगा, लगाऊं एक बार लगाया था जल्दी इसको देखो रेंज में है थोड़ा सा। अब देखो पांच कार्बन देखो सारे, 1, 2, 3, 4, 5 इधर क्लोरो लगा, इसको क्या नाम दोगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो खत्म। अब 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो जगह खत्म हो गई। पहले इसको नोट करो फिर बनाता हूं, आप जल्दी नोट करो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की, रिएक्शन की। HCl अटैक कर रहा है, वो किस पे अटैक करेगा पहले देखो, HCl के पास क्या कोई न्यूक्लियोफाइल है, हाँ क्लोरीन है, वो क्लोरीन किस पे अटैक कर सकता है किसी न्यूक्लियोफाइल पे, वो एक न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला OH भी न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों में से किसी एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक सकता है, किसको अटैकगा आपकी मर्जी है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये वाला OH रेजोनेंस कर रहा है, इसको हटाना मुश्किल है, वो वाला OH रेजोनेंस नहीं कर रहा, जो बेंजीन से सीधा OH जुड़ गया वो रेजोनेंस का पार्ट बन जाएगा, तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये रेजोनेंस स्टेबल है। क्या है ये? अच्छा ये रिएक्शन करते वक्त देखते हैं हमारा खर्चा कम हो रहा है कि ज्यादा, रेजोनेंस में खर्चा ज्यादा हो तो वहां पर अटैक नहीं करेगा, वहां अटैक करेगा और जाके जुड़ जाएगा। नहीं समझ आया, और एच और OH मिलकर क्या निकालेंगे साइड प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक में लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, तो बेंजीन पे अटैक तो नहीं करेगा, वरना ये बेंजीन पे अटैक कर सकता था, बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, कहां करेगा कार्बन की चेन पर, कहां करेगा कार्बन की चेन पर, कार्बन की चेन पर जब अटैक करेगा तो कहां करेगा। अब आप ये देखोगे ये कैसा कार्बन है और ये कैसा कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन लेकिन ये रेजोनेंस में बिजी है, ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए इसको मजबूरी में प्राइमरी कार्बन पे अटैक करना,
अगर ये रेजोनेंस में बिजी नहीं होता तो मेरे हिसाब से इसको कहां अटैक करना चाहिए था, सेकेंडरी पे। कौन कैसा ऐसा, आगे एक भविष्य में रूल आएगा, सेट ज़ेप रूल, शायद ये सेट ज़ेप रूल मैंने आपको मार्कोवनिकोव रूल में और एंटी मार्कोवनिकोव रूल में बताया, ठीक है, वो सेट ज़ेप रूल के हिसाब से इसको कहां अटैक करना चाहिए, सेकेंडरी पे। अब अंशुल क्या कहा भैया, आप पहले डिसाइड कर लो, सेट ज़ेप रूल लगाओगे रेजोनेंस, तो ताकत में सबसे ज्यादा कौन होता है, रेजोनेंस, इसके आर इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। आज मैं आपको आर इफेक्ट बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि अब अगली क्लास में हेलोरी स्टार्ट करा ना। अब ब्रोमीन कहां अटैक करेगा, अंशुल मेरे को एक बात बता, अब अंशुल से सुनो, ये सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, सनलाइट सिर्फ एल्केन पे अटैक करता है, क्या तेरे को यहां पर एल्केन दिखाई दे रहे हैं या और एल्कीन भी, देखिए दो कार्बन कैसे हैं, ये तो प्योर एल्कीन है, ये चारों एल्केन है, चारों एल्केन है तो किस पे अटैक करें, वो देखेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन के साथ वाला ज्यादा रिएक्टिव है, तो उठाकर अटैक कर देगा यहां पर, या तो इस कार्बन पर या नीचे वाले कार्बन, इन पे क्यों नहीं किया, कर सकता था, थोड़ा दूर है, डबल बॉन्ड की जितना नजदीक उतना बेचैन, मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव, करवाओ। आई बात समझ में, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है बेटा जो आपको रखनी है, सब समझ आएगी। अब आप यहां चाहो तो पॉइंट बना सकते, पहला पॉइंट, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन किसमें होती है, फ्री रेडिकल का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट लिखा हो, एच न्यू लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, सब में काम चलेगा, चलेगा। और फ्री रेडिकल की रिएक्शन सिर्फ एल्केन पे होती है, सिर्फ एल्केन पे, याद रहेगा, एल्कीन पे जो रिएक्शन होती है वो है एडिशन, वो जुड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो, क्या है वो, एडिशन, कोई एडिशन रिएक्शन देखिए आपने, हाँ एक्सीएल जोड़ते थे हम, मार्कोवनिकोव रूल एडिशन ही तो है, और क्या है। अब इसके बाद ये नोट बेटा, नोट सारे ध्यान दे लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अब बारी आती है आपकी किस चीज की, एग्जाम्पल नंबर 10.2, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद केआई, जब अल्कोहल रिएक्शन करता है केआई के साथ, बोल बेटा, सेकंड के अंदर आपने क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन की बना, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन कहता है व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ केआई ऑफ अल्कोहल, पहले आप अल्कोहल लिखो, अल्कोहल को केआई के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा, आरआई और केओएच बार, अगर आपने H2SO4 को यूज किया तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा केआई के ऊपर, और केआई पता है किसमें टूटेगा, बहुत स्टेबल चीज में आयोडीन, और अगर वो आयोडीन में टूट गया तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। H2SO4 पहले तो आप बोलोगे केआई अपने आप में खुद बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ H2SO4 पता है क्या, कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट, जो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, अगर H2SO4 KI के सामने आ गया तो KI अपने आप को आयोडीन में कन्वर्ट कर लेगा, किसमें कन्वर्ट कर लेगा, और आयोडीन जब स्टेबल स्टेज में आ जाएगा तो वो रिएक्शन क्यों करेगा, ROH को ROH छोड़ देगा। हम फिर भी इसका जवाब किससे पढ़ेंगे, NCERT के जो यहाँ पे जवाब देते हैं, 10.2a, H2SO4 कैन नॉट बी यूज along with KI in the conversion of alcohol to alkyl iodide as it convert KI to corresponding acid HI, किसमें convert कर देता KI को, HI में, which is then oxidized by it to form iodine I2। कहना है ऐसा होता है कि जब KI H2SO4 के साथ react करता है तो वो बनाता क्या है, KHSO4 KHSO4 plus HI, ये अब ये HI क्या करता है अपने आप को किस पे तोड़ लेता है, आयोडीन में, और अगर ये इस स्टेज में आ गया तो वापस क्यों जाएगा, आयोडीन इसकी बहुत स्टेबल स्टेज, तो वो क्यों कहेगा कि मैं ROH के साथ देख करूं कोई और पंगे लूं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते, ये भी नोट पे लिखो, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको रीजन लिखने में कभी भी सलाह नहीं दूंगा, बाहर का लिखो,
ठीक है, आप अरिहंत की किताब उठाते हो, प्रदीप की किताब उठाते हो, लेकिन आपके जो रीजन है वो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए थी, वो भी एज इट इज उसी फॉर्म में इन 10। हां भाषा बदल लो लेकिन कीवर्ड, अब इसने केआई बोला है ना, केआई और आईडी तो एक कीवर्ड है। कभी सुना मैडम कहती है, मैम गलत नहीं कहती कि रीजन एनसीईआरटी का होना चाहिए, अपने पास एनसीईआरटी लिखनी है, वो बिल्कुल सही कह रही मैडम। बेटा जब नंबर कटेंगे ना तब पता चलेगा। आप पेपर अटेम्प्ट करके आए फुल 100 मार्क्स का, आए कितने 85 83 82, क्यों? वो सारे मार्क्स कौन लेके चला गया? आपके रीजन क्यों? थोड़ा सा ही तो ध्यान देना है। मैं कभी कुछ नहीं कहता मतलब करो रटो, इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि रीजन वाकई में थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। कौन कुछ आगे चले, कौन सा था ये? अब 10.7 भी पूछा बेटा, 10.7 का थर्ड देखो, तू निकाल। 10.7 शायद SN1 SN2 रिएक्शन वाला क्वेश्चन है। क्या SN1 का रेंज कर रहा है SN2 का? मिल गया सवाल। SN2 कौन अच्छी करेगा ये कह रहा है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में मैं कार्बन देख लेता हूँ कितने, 1 2 3 4, दूसरे पे तीसरे पे आओ बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। पहले तो आप मुझे बताओ ये कैसा है, प्राइमरी या सेकेंडरी या कैसा है? और ये दोनों प्राइमरी है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ कार्बन, सिर्फ आगे जाके एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, बात ठीक है। तो पता कैसे लगाओगे कौन अच्छा करेगा, SN1 अच्छा करेगा SN2 अच्छा करेगा? क्वेश्चन पे तो SN2 पूछा है, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर कभी ऐसा है कि दोनों प्राइमरी हो तो आप देखो उसके पीछे कैसा है, उसके बिल्कुल बाद वाला सेकेंडरी है और इसमें उसके बाद के बाद वाला सेकेंडरी, तो देखा जाए तो इस पे स्टेरिक इफेक्ट कम लग रहा है, इसका मतलब ये अच्छी SN2 करेगा। दूर है ना, जितना दूर उतना स्टेरिक इफेक्ट कम, ये अच्छी SN2 करेगा और ये अच्छा SN1 करेगा। अब आई बात सब, ये कह रही है कि भैया आपने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखना, ये तो दोनों ही प्राइमरी आ गए, ये यू कंफ्यूज हो रही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये कहना है कि भैया अगर दोनों प्राइमरी आ गए तो पीछे वाला ऐसा देखो हमें कि पीछे कितनी जल्दी ब्रांच आती है, क्या पीछे कितनी जल्दी ब्रांच आती है, जितनी जल्दी ब्रांच है काम बन जाएगा। नहीं नहीं हो गया, अब मैं आगे बढ़ जाऊं, अब तो किसी कोई समस्या नहीं है। चलो ये समझ लिया, इसमें से जो नोट करना है नोट कर लो। मैं बात कर रहा हूं आपसे किस चीज की बेटा, ध्यान दो। अब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं बेटा वो है आपका इफेक्ट आइसोमर वाला, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में चीज पढ़ ली थी कि SN1 होता है SN2 होता है, उसकी रिएक्शन भी देखी, उस रिएक्शन में मैंने बताया था आपको ये चीज उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। उस इन्वर्ट को मैं समझू कैसे, बस उसको समझाना है और आज का काम खत्म। आप इस बात को समझो, ये एक टॉपिक है जो हमने 11th में पढ़ा था आइसोमेरिज्म के नाम से, ठीक है। अब आप इस चीज को समझना है क्या कह रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, वर्ड क्या लिख रहा हूं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो पहले मिरर जैसा मान लो, भविष्य ए की मिरर इमेज उल्टी लग रही है या बी की मिरर इमेज उल्टी लग रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? नहीं, ऑप्टिकली ये इनएक्टिव है। अच्छा चलो बात मान लिया, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो जोड़ा है एनेंशियोमर का, पेयर ऑफ एनेंशियोमर, इनका कायरल होना जरूरी है, कायरल होना जरूरी है,
अब आप कहोगे कायर पता नहीं कहीं क्या नई चीज है, एनेंशियोमर भैया उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं। अब जरा ध्यान दो, मैं आपको पहले कायरल बता दूं क्या है। कायरल कार्बन एटम, अब पता चल जाएगा क्या, एक ऐसा कार्बन एटम, एक ऐसा कार्बन एटम जिससे जो चार चीजें जुड़ी हो चारों अलग है, वो चारों चीजें पी क्यू आर एस चारों अलग है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आप बताओ, और ये सिंगल बॉन्ड वाला होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड वाला। अच्छा कायरल ये है तो अकायरल क्या होगा, जिसकी कोई भी दो चीज मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, चारों मिल जाए, वो अकायरल है। डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वो अकायरल है। अब आप बताओ क्या ये कायरल है, क्या ये कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन? तो मैं बोलूंगा बोलो है, क्योंकि इसके पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, अकायरल है। क्या ये, क्या ये कायरल है? इसके पास अटैच स्पीसीज तीन तीन हाइड्रोजन है, कैसे कायरल है? तीनों सेम है, अकायरल है। ये भी क्या है, अकायरल। चलो अब जरा इसको देखो, कायरल का एक सिंबल होता है बता दो कैसा, स्टार बना दो किसी में रहता वैसे। अब देखो अब मैं पूछता हूं अंशुल से, अंशुल बता ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है, ठीक है? क्या ये वाला कार्बन कायरल है? इसके साथ एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा और एक लंबी चेन, ये कायरल है। कायरल का सिंबल देख लो, ठीक। क्या ये वाला कार्बन कायरल है? देख एक क्लोरीन जुड़ा है, एक नाइट्रो जुड़ा है, एक लंबी चेन और एक लंबी चेन, लेकिन ये दोनों लंबी चेन सेम है, आप ये कायरल नहीं। अब ये वाला कार्बन कायरल है, ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3 लंबी चेन, हाँ ये कायरल कार्बन। अब बताओ कायरल कार्बन मिलकर कौन से होते हैं? जो कायरल कार्बन है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा और कोई नहीं। अब जरा इधर, क्या ये कायरल कार्बन एटम है? ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना इसलिए, क्या ये कायरल कार्बन एटम है? क्या ये कायरल कार्बन एटम है? अगर है तो इसका मैं अगर बनाऊंगा तो क्या ये उल्टा करके दिखाएगा इसको, क्या ये इन्वर्ट हो गया? अब आपने कहा भैया ये कैसे है? मैंने कहा भैया लेफ्ट पे घूमने वाला, अब वो स्टीरियो केमिस्ट्री, वो आपके में नहीं कोर्स में पहले था, लेसन नंबर 12 हुआ करता था स्टीरियो केमिस्ट्री 2007-08 की बात है, ठीक है? जब मैं तब लेफ्ट की तरफ घूमने वाले को हम कहते थे लेवो, और राइट की तरफ घूमने वाले को डेक्स्ट्रो, लेवो डेक्स्ट्रो। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट रोटेटरी, लेफ्ट रोटेटरी, याद रहेगा अभी के लिए आप याद रख लो, उधर जो लिखा लेफ्ट और इधर जो लिखा राइट खत्म है, नहीं कर दूं तो हम क्या समझाने आप, वैसे मॉलिक्यूलर मास पे होता है, जब तुम्हारी जेई क्लास चलेगी तब समझाऊंगा। राइट रोटेटरी, राइट रोटेटरी क्या होता है? डेक्स्ट्रो। लेफ्ट रोटेटरी क्या होता है? लेवो। ये बात समझ में आई? और इन दोनों के जोड़े को क्या कहते हैं? अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या है? आइसोमर है। जहां केमिस्ट्री में मर लिखा देखो ना, मतलब मॉलिक्यूल, आइसोमर मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल, एनेंशियोमर मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल्स का जोड़ा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मानता हो। समझ रहे हो? आई बात समझ में, बना कंसेप्ट एनेंशियोमर समझ में आ गया, ठीक है? अब जरा इसको देखो, यहां पर मैंने ये चीज, ये हेलोजन है, क्या है ये? इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी है, पी क्यू आर मार्गोलियन। मैं इसको किसी वाई या किसी न्यूक्लियर फाइल से अटैक करवा, किससे करवा रहा हूं? आपने कहा कि भैया ये न्यूक्लियर फाइल से अटैक करके ऐसा बना, देखते हैं। एक बार तो ऐसा बना, ये नहीं बदला, और एक बार ये बदल गया, वो बेटा अभी ना चीजें काफी सारी और आती है, जो कब बैक अटैक होता है कब नहीं होता। अब देखो
जब ये नहीं बदला तो इसने अपनी पोजीशन रिटेन करके रखी, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, रिटेंशन। क्या बोलूंगा, रिटेंशन। और इस वाले में इसने अपने आप को पलट लिया, इन्वर्ट कर लिया, इसलिए इसको क्या बोलूंगा, इनवर्जन। यह है बी, यह है ए। अगर मैं ए और बी को बराबर रेशियो में, बराबर मात्रा में जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ए बी। और वो क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। अच्छा एक बात बताओ, जब ये ऐसा था और जब ये ऐसा हुआ तो ये उल्टे नहीं हो गए? अच्छा अब मैं कहूं कि बी जो है ना, मुझे नहीं पता भी क्या लेवो है और ए जो है वो डेक्स्ट्रो है, तो ए बी क्या होगा, ना लेवो ना डेक्स्ट्रो। अगर आधी चीजें ऐसी घूम रही हो, आधी चीजें ऐसी घूम रही हो तो एक दूसरे को खत्म कर देगी। अब इसने कहा ये किस काम आएगा, क्यों बकवास कर रहे हो लेवो डेक्स्ट्रो। तुम्हारे शरीर में केमिकल डाला गया जो गलती से लेवो है, अगर उसका एंटीडोट बनाना है, उसको उसकी काट बनानी है तो क्या होगी, पता चला दवाई बनाने काम आ सकता है, समझ रहे हो, लेवो डेक्सो। ठीक है अब ये मत पूछना कि और क्या क्या काम आता, मेरी बायो बिल्कुल खत्म, जितना पता था मैंने बता दिया कि किस तरीके से काम आता है, समझ में आ गया। तो लेवो डेक्सो का मतलब समझ में आया, ज्यादातर ये इन्हीं चीजों में होता है, ग्लूकोज और काफी सारी चीजें जो होती है तुम्हारी, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो तुम खाते हो ना, उन चीजों में लेवो डेक्सो बहुत आता है। ठीक है जल्दी से इसको समझो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो ये आपका था आइसोमेरिज्म, आज का ये वाला काम समाप्त।